नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OPC सीमेंट और PPC सीमेंट में मेन डिफरेंस क्या है और कौन सा सीमेंट हमें यूज करना चाहिए, किसका कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बैकग्राउंड में जो भी देख रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, जो भी नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में उस पर ध्यान मत दीजिए, केवल मेरे बात पर 5 मिनट ध्यान दीजिए, मैं सारा आपका डॉट बेसिक क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले OPC का, OPC जो सीमेंट होता है वो आपको इनिशियल टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है 7 दिन के अंदर में, और PPC सीमेंट में जो इनिशियल टाइम होता है कंक्रीटिंग करते हैं उस टाइम पे वो धीरे 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 स्लो होता है, उसका स्ट्रेंथ धीरे 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 आपका 28 दिन में पूरा प्रॉपर स्ट्रेंथ देता है। OPC में आपको बहुत तेज़ी से दे देगा शुरुआती दिन में, लेकिन PPC में स्लो 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 धीरे धीरे स्ट्रेंथ देगा। दूसरा डिफरेंस का अगर बात कर ले दोस्तों, OPC सीमेंट में हीट हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वहीं अगर PPC सीमेंट में बात कर ले तो PPC सीमेंट में हीट हाइड्रेशन कम होता है, इसीलिए लोग PPC सीमेंट को ज़्यादा प्रिफ्रेंस करते हैं नॉर्मल रेसिडेंटल बिल्डिंग के लिए, ब्रिक्स वर्क के लिए काम करते हैं, मशीनरी वर्क के लिए काम करते हैं, मोटार के लिए काम करते हैं और साथ साथ प्लास्टर के लिए भी काम करते हैं PPC सीमेंट। PPC सीमेंट का मतलब हो गया पोर्टलैंड पोजलैनिक सीमेंट हो गया, OPC का मतलब हो गया ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। अब बात कर ले वहीं पर OPC सीमेंट का बात कर ले तो हीट हाइड्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इस सीमेंट का यूज हमेशा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए करते हैं, बड़े बड़े डैम के लिए करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं OPC सीमेंट। दोस्तों OPC सीमेंट में ज़्यादा हीट हाइड्रेशन होने की वजह से आपका क्यूरिंग आपको प्रॉपर ध्यान देके करना है, 7 दिन तक एटलीस्ट करना है, नहीं तो क्रैक आने का ज़्यादा संभावना रहता है OPC में। वहीं पर PPC में बात कर ले तो PPC हीट हाइड्रेशन नहीं होता, इसके वजह से आप नॉर्मल क्यूरिंग भी करेंगे लेकिन लंबे समय तक करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ दे देगा, लेकिन OPC में 7 दिन तक आपको ध्यान देना ही है देना है। जितने भी बड़े सरकारी घर बनते हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनते हैं, वहाँ पे OPC सीमेंट यूज किया जाता है और नॉर्मल घर के लिए PPC। दोस्तों अब बात कर ले OPC सीमेंट का, तो OPC सीमेंट में आपको सल्फेट हो गया, अल्कलीज हो गया, मैग्नीशिया हो गया, लाइम हो गया, इसका मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, वहीं PPC सीमेंट में आपको मैग्नीशिया, अल्कलीज, सल्फेट, लाइम फ्री होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात कर ले OPC सीमेंट का, तो OPC सीमेंट में आपको OPC सीमेंट नॉट एग्रेसिव इन वेदर कंडीशन, वहीं पे अगर बात कर ले PPC तो PPC आपका एग्रेसिव होता है वेदर कंडीशन के लिए। ठीक है, तो PPC सीमेंट को आप किसी भी मौसम में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, OPC सीमेंट को आप सबसे ज़्यादा लोग ठंड मौसम में यूज करते हैं, बारिश के मौसम में यूज करते हैं, क्योंकि OPC सीमेंट बहुत जल्दी सेटिंग टाइम दे देता है, इसलिए यूज करते हैं OPC सीमेंट को बारिश के टाइम पे, आपका ठंडा मौसम हो उस टाइम पे जल्दी सेटिंग होने के लिए। PPC सीमेंट किसी भी मौसम में यूज करें लेकिन लॉन्ग टाइम में आपका सेटिंग हुआ। अब बात कर ले कलर का, तो जो OPC सीमेंट होता है आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है, वहीं PPC सीमेंट का बात कर ले दोस्तों तो PPC सीमेंट आपका थोड़ा सा रेड कलर होगा। और दोस्तों अगर बात कर ले OPC सीमेंट का, तो OPC सीमेंट में आपको नॉट एग्रेसिव इन वेदर कंडीशन, वहीं पे अगर बात कर ले PPC तो PPC आपका एग्रेसिव होता है वेदर कंडीशन के लिए। ठीक है, तो PPC सीमेंट को आप किसी भी मौसम में आप यूज कर सकते। OPC सीमेंट में आपका फ्लाई एश का मात्रा ना के बराबर रहता है, वहीं अगर बात कर ले PPC सीमेंट में, तो PPC सीमेंट में आपको 15-35% आपका फ्लाई एश का मात्रा रहता है। अब बात कर ले कोस्ट का, तो कोस्ट OPC जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसका आपका 350-400 के बीच में मिल जाता है, लेकिन PPC वहीं सस्ता में आता है, 300 से लेकर 350 के अंदर में ही मिल जाता है सीमेंट। ठीक है, अब बात कर ले ग्रेड का, तो भैया OPC में 3 टाइप का ग्रेड आता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, तो स्पेशल वीडियो हम किसी दिन बना देंगे कि कौन सा ग्रेड यूज करना चाहिए OPC का। अब बात कर ले PPC सीमेंट का, तो दोस्तों PPC सीमेंट में
कोई ग्रेड नहीं होता है स्पेशली। दोस्तों अब हम बात कर ले कि दोनों का तो डिफरेंस हम आपको बता दिए, पीपीसी का ओपीसी का, तो आप किस अकॉर्डिंग कौन सा घर बनवा रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बनवा रहे हैं या बांध काम करवा रहे हैं या प्लास्टर वर्क करवा रहे हैं या आप कॉन्क्रीट मोटार इस टाइप का वर्क करवा रहे हैं, तो पीपीसी बेस्ट होता है एक नॉर्मल घर बनाने के लिए। आप उससे सारे चीज़ कर सकते हैं, कॉन्क्रीट प्लास्टर सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी चाहिए सेटिंग टाइम। जल्दी मान लीजिए जैसे छत ढाल दिए ग्राउंड फ्लोर का, तो 15 दिन बाद आप स्टार्ट करना चाहते हैं सेकंड फ्लोर का काम, तो आप ओपीसी सीमेंट स्पेशल ऑर्डर करें। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा, स्पेशल ऑर्डर पे ही मिलेगा। वहीं अगर चाहते हैं कि धीरे धीरे हो लेकिन अच्छा स्ट्रेंथ दे, तो पीपीसी सीमेंट यूज कीजिए। आपको लंबा टाइम लगेगा, 28 दिन लगेगा फुली स्ट्रेंथ देने में, लेकिन आपका वो ज़्यादा मजबूत होगा और 28 दिन बाद आप नेक्स्ट फ्लोर का काम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में यही बेसिक बातें थे, तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।